फ्रेंड्स, सबको टुमारो ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबको गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं? तो देखिए, आज मैं इंडिया में पार्सल भेज रही हूँ, तो मैं जो उसका ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा। ये देखिए, दो बॉक्स भेज रही हूँ, 17-17 किलो का है, और इधर 10 किलो बाद में भेजूंगी, वो बॉम्बे के लिए दीदी के लिए। हमारे क्या बोलो, रूम में बहुत छोटा है तो जगह नहीं है, इसके लिए मैं भेज रही हूँ जो मेरे कपड़े हैं। देखिए, आप लोग देख सकते हैं, और इधर मैं ट्रॉली लेके आई हूँ, ट्रॉली में डाल के लेके जाएंगे। ये देखिए, इधर ट्रॉली लेके आई हूँ मैं, बस स्टॉप जाएंगे, टैक्सी में तो बहुत पैसे लगते हैं इसके वजह से, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और कुछ कुछ बोलने वाली हूँ पोस्ट ऑफिस के बारे में, कि हमारे भारत में इतना पैसा लिया जा रहा है। देखिए, तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप, अभी कार पार्क में है फिलहाल, हमारे बिल्डिंग के अंदर है, तो बस लेके जाएंगे। देखिए, बस वाला लेता है कि नहीं हमको, चार चार में लोग जो वो सामने शुरू कर वो फिर सुखने सुखने आ सकते आप आपको देखिएगा। मैं थोड़ा कुछ बोलूँगी हमारे भारत के पोस्ट ऑफिस के बारे में, अभी नहीं करे सेंड कर दूँ उसके बाद इतना पैसे भी नहीं दिया जाता, ऑलरेडी हम इतना पेड़ करके सामान देखते हैं फ्री में, और पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। बस स्टॉप में पहुंच गए हैं, देखिए हमारे पास दो बस इधर में, इधर ये बस स्टॉप है C2 में, अंडरग्राउंड में है यहाँ पर, तो यहाँ से हम बस लेंगे सेंट्रल के लिए। देखिए हमारे कार पास ये बस स्टॉप भी है, ये है बस स्टॉप, इधर यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। मेरी फ्रेंड दाल बना रही थी, हाय फ्रेंड्स, मैं इधर हूँ। तो अभी हम पोस्ट ऑफिस आ गए हैं, उधर पोस्ट ऑफिस देखिए, अभी सामान यहाँ पे हमने बस से उतारा है, वही लेके जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी मैं मेरी फ्रेंड को बोल रही हूँ मेरे सिर पे डालो ये देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का पेन, इधर सेंट्रल का ऊंची ऊंची इमारत देखिए, मिलते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। देखिए, हम अभी सेंट्रल में हैं, अभी हम जा रहे हैं, बहुत ही ठंडी हवा है, और पोस्ट ऑफिस का काम हो गया, अकेली थी। देखिए इधर पोस्ट ऑफिस है, इधर से अच्छा दिख रहा है तो मैंने इसका वीडियो बना लेती हूँ। अभी तो मैं हम बाहर निकल आए हैं, वो मेरी फ्रेंड को नेट पैक भी डालना था, डाल दिया। ये देखिए इधर पानी का इतना सुंदर स्टेप स्टेप गिर रहा है, मुझे छोड़ के भाग गई लड़की, नेक्स्ट टाइम से नहीं आऊँगी उसके साथ, है ना। ये देखिए इसमें, फाइनली हम बस में आ गए हैं फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस का काम करके, और मेरे ब्रांड फ्रेंड का नेट पैक करवा के। तो देखिए, और मुझे हमारे इंडिया के पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करनी है थोड़ा सा, जैसे इधर से हम पार्सल भेजते हैं, ऑलरेडी हम इतने सारा पैसे पे करके हम सामान को भेजते हैं, तो पैसे क्यों लिया जाता है, तो मुझे थोड़ा कोई समझाएंगे प्लीज़, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, इतने इतने पैसे लिए जाते हैं, बताओ 5-6 हज़ार तो बहुत ज़्यादा है ना, जैसे 40 किलो भी नहीं रहता है, मैं भी मुश्किल से 37 किलो या तो 39 kg में, फिर दो बॉक्स का, एक बॉक्स में तो जैसे 20 किलो का हम बॉक्स लेते हैं, तो उसमें तो 20 किलो भी हम डाल नहीं सकते, तो प्लीज़ मुझे कोई बताएगा क्यों पैसे दिया जाता है इतना इतना। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को देखिए, और जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए,
मैं भारत के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्यों पैसे लिया जाते हैं, मुझे समझाएंगे कोई नहीं तो मैं आऊँगी तो फिर मैं खुद ही जाऊँगी कि क्या करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस वालों से बात करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसे सोल्यूशन निकालना चाहिए, इतना इतना पैसे क्यों लिया जाता है, बस यही मुझे समझाएंगे। क्योंकि जब सामान पहुँचता है डिलीवरी के लिए, इवन डिलीवरी भी नहीं करते हैं, इतना चिपचिप करते हैं, इतना लड़ाई करते हैं कि अब इतना पैसे दो, ये करो, नहीं तो हम रिटर्न भेज रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में भेजते हैं, चूहे भी ले ठीक है, वो चूहा सा पाल रखे हुए होते हैं, क्या बकवास वाली बातें करते हैं कि चूहा कट जाएगा, ये करेगा, उसका हम रिक्स नहीं लेंगे, ये वो बोलते हैं। बताइए मैं पोस्ट ऑफिस वालों के साथ लेके जाके कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर वाले पूछते हैं कि इस चीज़ का चार्ज लेते हैं, ये वो, तो पता नहीं टैक्स इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे समझाइए पोस्ट ऑफिस का क्या भारत का कायदे कानून है, क्योंकि हमको भी समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि हम तो नहीं जानते, वो घर वाले भी नहीं जानते, जब पार्सल पहुँचता है तभी समझ आ जाता है कि पता नहीं क्या तो बोले थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो उसका चार्ज लगता है बोले, और घर भी नहीं पहुँचा देते हैं, पुर्जा खिलाना पड़ता है। तो बताइए इसका हल क्या करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग बताइएगा। खिलाना आज मैंने दोबारा से भेजा है, पहले पैसे नहीं लिया था, जब से ये कोरोना बीमारी आई तब से ये नोचने में लगे हुए पोस्ट ऑफिस करे भारत में। फ्रेंड्स, तो हम फाइनली घर आ चुके हैं, और क्या बोलूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम घाई घाई में थे, और पोस्ट ऑफिस के अंदर का भी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड को क्या बोलते हो उस क्या वाला ऐप, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो डाउनलोड नहीं किया था तो अंदर नहीं जा पाई, और दो बॉक्स था तो उठाने में बहुत मुश्किल हो रहा था, वन बाई वन करके लेके गई अंदर, और घर आ गए, खाना सब खाए, और अभी क्या बोलो, क्या घर में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती वीडियो सब बनाने के लिए, क्योंकि देखते हैं संडे को जा रहे हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे फुल सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने गांव में रहूँ। और देखिए हमारा मेसी किचन अभी खाना बनाने से पहले भी हमारा फिल्टर पानी तो ख़राब हो गया है, तो ठीक करने के लिए आया हुआ है, दो तीन दिन How to turn off? मैं बाद में बात करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई अपना ध्यान रखिएगा।